सेकेंड थिंग इज किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, क्योंकि कल को शिप पे गए तो बहुत दर्द उठ सकता है और आने के अलावा कोई चारा नहीं है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रनीत मेहता, टुडे हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू सेट विद डॉक्टर सूरज राणा। और डॉक्टर सूरज राणा जो है, ही इज अ डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर फ्रॉम देहरादून। और ये हमारी मेडिकल सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट वीडियो बन रहा है, जिस वीडियो इज अबाउट मोस्ट कॉमन रीजंस टू फेल इन मर्चेंट नेवी मेडिकल्स। वो कौन कौन से कॉमन रीजन इस कारण आप मर्चेंट नेवी के मेडिकल्स में फेल होते हो, तो हु बेटर देन डॉक्टर साहब टू गाइड हिमसेल्फ। सर आप बताइए, सर कौन, आपने इतने सालों में जितने टाइम ये प्रैक्टिस करी है फॉर मर्चेंट नेवी मेडिकल्स, कौन कौन सबसे ज़्यादा आपको कॉमन रीजन मिले इस कारण बच्चा मेडिकल में फेल हुआ और हताश होके गया है? सबसे ज़्यादा कॉमन जो रीजन हैं वो हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल किसी का ज़्यादा हो जाना, किसी की शुगर ज़्यादा हो जानी, विजन है ही एक प्रॉब्लम, प्लस किडनी स्टोन्स, गॉल ब्लैडर स्टोन्स, हेमोरॉइड्स जिसे हम आम भाषा में पाइल्स बोलते हैं, वो डेंटल इश्यूज हो सकते हैं अगर किसी के जो है मोलर जो चबाने वाले दांत हैं वो नहीं हैं। ये कुछ जो सबसे कॉमन जो मेरे अभी सबसे ध्यान में जो आ रहा है। इसके अलावा सर फैटी लीवर और ये हाई BMI, ये भी कुछ एक इम्पोर्टेंट? हाँ, फैटी लीवर हो सकता है, फिर BMI भी एक इशू हो सकता है अगर आपका वेट ज़्यादा है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। बेटर टू रेक्टिफाई दीज थिंग्स पहले ही, तो आइडिया हो आपको। ओके सर, एक तो जैसे आपने बोला एक तो पुअर आईसाइट, तो आईसाइट के ऊपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। किडनी स्टोन और अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है जैसे सपोज कीजिए, तो ये इतनी बड़ी दिक्कत क्यों है, मतलब वाई इट्स सच अ कॉमन थिंग, क्यों पहले इतना कॉमन चीज़ क्यों है ये? क्योंकि किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन में फेल होना इसलिए मतलब कॉमन इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मली अगर आप सी फेयर नहीं हो तब तो ठीक है, आप जो है इसको मैनेज कर सकते हो, क्योंकि वेट एंड वॉच। लेकिन अगर आपको शिप में जाना है तो शिप में आप एक चीज़ तो ध्यान में रखिए, वहाँ पे कोई भी जो है सेकेंडरी लेवल मेडिकल केयर नहीं होगा, वहाँ पे एक प्राइमरी फर्स्ट एड आपको मिलेगा, लेकिन टर्शरी लेवल या सेकेंडरी लेवल केयर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको वहाँ पे स्टोन की वजह से कोई सिम्टम्स पैदा होते हैं, जो कि सबसे कॉमनेस्ट है पेन, सपोज आपका स्टोन जो है वो जो है शिफ्ट हो रहा है, तो फिर आपको जो है वहाँ से साइन ऑफ ही होना पड़ेगा, मतलब शिप से आपको वापस ही आना पड़ेगा, और उसके लिए उसको जो है फिर कंपनी को बहुत ह्यूज लॉस होता है, आपको भी जो है अपने आपके करियर में भी जो है एक वो थोड़ा सा वो होता है, मींस देयर इज सम ना एक लैग, बिल्कुल डेफिनेटली सर, एक काफ़ी हद तक पीछे हो जाते हैं सर। हाँ, तो वही है कि आपको फिर बीच, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि बीच में से, मतलब कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में से आपको वापस आना पड़े, तो इट इज वही है कि डिस्कम्फर्ट फॉर एवरीवन, एक है ना इनकन्वीनियंस फॉर एवरीवन। सर आई एग्री, बिल्कुल, इसीलिए ये बहुत ही ग्रॉस चीज है, मतलब कोई भी स्टोन होना, स्टोन तो इसलिए पहले से ही जो है आपको मैनेज करना होगा बिफोर ज्वाइनिंग अ शिप। सो लेट बाइस, एक बार मैं वापस से रिपीट करता हूँ सर, आप प्लीज़ जानिएगा कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। पहली चीज़ है आई साइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो खैर रिजेक्ट ही कर दिए जाएंगे। सेकंड थिंग इज किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, क्योंकि कल को शिप पे गए तो बहुत दर्द उठ सकता है और आने के अलावा कोई चारा नहीं है, जहाँ पर जहाज कंपनी को भी खूब नुकसान होता है और आपका तो करियर वैसे ही परेशानी में आ जाता है। फैटी लीवर एक बहुत कॉमन इश्यू हो सकता है जो कि दिक्कत कर सकता है। उसके अलावा पाइल्स जिसे हम कॉमन शब्द में बवासीर कहते हैं, वो एक दिक्कत हो सकता है। उसके अलावा मोटापा, ओबेसिटी, BMI जिसमें देखा जाता है, इस पर एक अलग वीडियो बनेगा जो कि आपको डिटेल में बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक हाई कोलेस्ट्रॉल है। वैसे जो जनरली जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल बोले, फैटी लीवर बोले, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ओबेसिटी बोले ज़्यादा हम एजिड वो में देखते हैं, आपको ये यंग 18 साल 19 साल के लड़कों भी चीजें मिलती हैं वैसे ज्यादातर, तो इन सर्विस जो सीफेयर्स हैं, सीनियर मास्टर्स, चीफ इंजीनियर्स, कैप्टेंस अबव 40 एज, उसमें ज्यादा रहता है। हां, ज्यादा BMI में कुछ लोग हैं जो पहले से ही जो है कम एज में ही जो है ओबीज हो जाते हैं, बहुत ही मोटापे के शिकार हो जाते हैं, उन लोगों को जो है कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन हाँ कॉमनली तो हमें जो है इन सर्विस जो सीफेयर्स उन्हीं के साथ है। तो जनरली सर जैसे बहुत एक जैसे सर आर्मी का मेडिकल इज वेरी टफ, एयरफोर्स का मोर स्ट्रिक्ट, मर्चेंट नेवी मेडिकल आई गेस को कि इफ यू आर जस्ट अ नॉर्मल गाय देन आल्सो यू कैन इजीली पास, एम आई राइट सर? एक्चुअली मर्चेंट नेवी के जो गाइडलाइंस हैं वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स। डेफिनेटली सर, क्योंकि मर्चेंट नेवी में हमें बेसिकली बस ये देखना होता है मेडिकल में कि एक जो कैंडिडेट है वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली कर सकें शिप में, जो भी उसको जो टास्क वहाँ पे अलॉटेड हैं, है ना, जो जिस कैटेगरी में भी जा रहा है उस कैटेगरी में जो भी टास्क अलॉटेड हैं वो टास्क करके वो प्रॉपरली कर सकता है। थोड़ी बहुत जो है क्या बोलते हैं डिसेबिलिटीज़ हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो कर सके तो वो चीज़ हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब बेसिकली वही है कि हमें प्रैक्टिकल एक अप्रोच लेना पड़ता है, ठीक है ना, मर्चेंट नेवी के मेडिकल्स में। ठीक है।
सो गाइज थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच गाइज। ऑल आई वॉन्ट टू से कि ये चीज़ें बहुत जरूरी जाना, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स अटैच्ड हैं। आज भी चलता है अरे मर्चेंट नेवी में, जिसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे मिथ्स रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी मेडिकल्स, वो जरूर वीडियो देखेगा। ऑल आई वॉन्ट टू से मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली और क्या क्या चीज़ें करने वाली हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही में ये जो प्लेलिस्ट है इसको देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको सारी आपके जो क्वेश्चंस हैं मर्चेंट नेवी मेडिकल से रिलेटेड सारे क्लियर कर देगा ये प्लेलिस्ट। और इन द एंड ऑल आई कैन से इज मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।